ये उन चंद तस्वीरों में से एक है जिसके सामने आते ही दिल्ली में होने का एहसास होता है। ये इंडिया गेट है। इंडिया गेट तो वही है जो आपने अपनी आंखों से टीवी में या तस्वीरों में देखा हो, लेकिन आसपास के इलाके का माहौल बदला हुआ है, तस्वीर बदली हुई। सबसे पहला और बड़ा बदलाव ये कि राजपथ अब हो गया है कर्तव्य पथ। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक की सड़क अब कर्तव्य पथ हो गई है। क्या बदला है सब कुछ बताएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। मुख्य सड़क की चौड़ाई में कोई बदलाव नहीं है। बदलाव ये है कि उसके दोनों तरफ फुटपाथ को बहुत ही सुंदर तरीके से विकसित किया गया है और अब ये सड़क ज़्यादा चौड़ी दिख रही है। चौड़ी सड़क के अलावा एक ख़ास बात यह है कि दोनों तरफ के जो लॉन हैं वो बेहद खूबसूरत हो गए। अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो लॉन के बगल में ही पार्किंग की भी व्यवस्था है। छोटे छोटे तालाब को पार करने के लिए ब्रिज भी बना हुआ है। इंडिया गेट सड़क के पार है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, लेकिन चिंता की बात नहीं, इसका भी इंतजाम है। सड़क पार करने के लिए अंडरपास बना हुआ है, ये भी बड़ा बदलाव है क्योंकि पहले सड़क पार करने के लिए ट्रैफिक रुकने का इंतजार करना पड़ता था।
सड़क पार कर हम इंडिया गेट के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। पहले की तुलना में अब इंडिया गेट के आसपास सफाई बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह यह है कि कॉमन एरिया में हॉकर्स अलाउड नहीं हैं, उनके लिए अलग से जगह निर्धारित की गई। इलाके को साफ रखने के लिए जगह जगह संदेश भी लिखे हुए हैं। इंडिया गेट बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन जो बदलाव पिछले दिनों हुआ वो दिख रहा है। अमर जवान ज्योति की मशाल अब यहाँ नहीं जलती, ये मशाल वॉर मेमोरियल में जलती है। इंडिया गेट पे बड़ा बदलाव ये नेताजी की मूर्ति भी है। इंडिया गेट पर छतरीनुमा आकार में पहले ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम की मूर्ति हुआ करती थी। करीब 21 साल तक जॉर्ज पंचम की मूर्ति यहाँ लगी रही। 1968 में इसे हटाया गया। अब गुलामी की निशानी पूरी तरह से मिटाई जा चुकी है। अब ग्रेफाइट से बनी हुई 28 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी नेताजी की प्रतिमा यहाँ लग गई। अब राजपथ का इतिहास भी आपको बता देते हैं। ब्रिटिश काल में राजपथ को किंग्सवे कहा जाता था। 1911 में ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम दिल्ली आए थे। इसी दौरान देश की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हो गई थी। जॉर्ज पंचम के ही सम्मान में राजपथ का नाम किंग्सवे रखा गया था, जिसे 1955 में बदलकर राजपथ कर दिया गया। कर्तव्य पथ का ये पूरा इलाका देश के गौरव का एहसास कराता है। शाम के समय में यहाँ लाइटिंग की भी पूरी व्यवस्था है और रात में इसका नज़ारा बिल्कुल अलग दिखता है। लॉन को खूबसूरत बनाने के लिए हरी घास की चादर फिर से बिछाई गई। जन सुविधाओं में भी काफ़ी अंतर पहले से दिख रहा है। पहले लोगों को घास पर बैठना पड़ता था, अब पूरे कर्तव्य पथ पर बैठने के लिए 422 बेंच लगे हुए हैं। उम्मीद है हमारे साथ इंडिया गेट की सैर आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।